हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो एज यू गाइज आर अवेयर दैट आज MHLAW CET 3 ईयर्स प्रोग्राम का ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एंड आज मैं आप लोगों को लाइव स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने वाला हूँ विच विल बी यूजफुल फॉर यू टू क्लियर ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग द MHCET लॉ 3 ईयर्स प्रोग्राम फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। ठीक है, सो काइंडली वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू गेट ऑल योर डाउट्स क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये हम लोग सीईटी सेल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, हम लोग वहां पे हैं। फ्रॉम हियर आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करना है एंड यू आर सपोज टू क्लिक ऑन दिस MHLLB 3 ईयर्स सीईटी 2022। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। सी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, LLB 3 CET 2022 MHACET ORG, ठीक है, ये वेबसाइट को ही आप लोग ध्यान से देख लेना एक बार, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स गलतियां कर रहे हैं कि वो लोग दूसरी CET examinations का फॉर्म फिल करके रख देते। तो काइंडली मेक श्योर आप पर्टिकुलर एग्जामिनेशन जिसका फॉर्म भरना चाहते हो आप उसी की पर्टिकुलर वेबसाइट से फॉर्म फिल करो। फॉर 3 ईयर्स लॉ प्रोग्राम दिस इज द वेबसाइट। मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू एक्सेस इट प्रॉपरली। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड कन्फर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, इसका अभी स्टार्ट हुआ है 24th मार्च से एंड द लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म विल बी 12th of April 2022 रात 12 बजे तक, 12 तारीख को आप फॉर्म फिल कर सकते हो। हॉल टिकट आपका इशू किया जाएगा 10th of May को। ठीक है, डेट इज सब्जेक्ट टू चेंज, ऊपर नीचे हो सकता है ये डेट, एंड आपका एग्जामिनेशन होगा 7th and 8th of June को। ठीक है, दीज डेट्स यानी कि हॉल टिकट का एंड एग्जामिनेशन का, दोनों का एग्जामिनेशन का जो डेट्स है दैट इज सब्जेक्ट टू चेंज। दो दिन एग्जाम क्यों होता है, बिकॉज ये जो जो एग्जामिनेशन है MHCET लॉ 3 ईयर्स का वो मल्टीपल सेशंस में कंडक्ट किया जाता है और आपके हॉल टिकट में लिखा हुआ होता है कि आपको कौन से दिन पे जाके एग्जामिनेशन सेंटर पे एग्जाम देना होता है। बिकॉज सिंस देर आर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो पार्टिसिपेट करते हैं ये MHLAW CET 3 ईयर्स एग्जामिनेशन में वो ज्यादा होते हैं, इसीलिए ये एग्जामिनेशन को मल्टीपल सेशंस में कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जब भी हम आगे हम डेट्स के नजदीक आएंगे तो तब हम आपको उसके बारे में अपडेट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन एंड ऑलरेडी रजिस्टर्ड। आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, सभी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है इन मराठी लैंग्वेज एज वेल एज इन इंग्लिश लैंग्वेज, यू कैन गो थ्रू दिस। ठीक है, जिन लोगों ने ग्रेजुएशन का एग्जाम ये पर्टिकुलर साल में यानी कि 2022 में दिया है या फिर उसके पहले यानी कि 2021-2020 में पास आउट है ग्रेजुएशन, वो लोग MHLAW CET 3 ईयर्स एग्जाम दे सकते हैं बिकॉज द एलिजिबिलिटी फॉर MHLAW CET 3 ईयर्स इज ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन नहीं हुआ है तो आप ये एग्जाम नहीं दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद फीस की बात करें तो फीस है 800 रुपीज फॉर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स एंड आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट। ठीक है, एंड ST, SC, OBC, VJDT ये सभी के लिए 600 रुपीज का फीस है। आप बाकी की डिटेल्स यहाँ पे पढ़ सकते हो एंड देन यू आर सपोज टू क्लिक ऑन दिस, आई हैव रीड द अबाउट कंडीशंस एंड क्लिक ऑन दिस आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड। ठीक है, आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे कैंडिडेट्स फुल नेम, आपका पूरा नाम। ठीक है, द ओनली कंडीशन यू शुड बी केयरफुल अबाउट इज द नेम फिल्ड इन मस्ट मैच विद SSC एंड HSC मार्कशीट्स। इट्स 10th और 12th की जो मार्कशीट है उसके ऊपर जो नाम लिखा है वही नाम यहाँ पे मैच होना चाहिए। सरनेम, आपका खुद का सरनेम, आपका खुद का नाम और आपके पापा का या फिर स्पाउस का नाम। ठीक है, फादर्स नेम, फर्स्ट नेम ओनली यानी कि सिंगल नेम, पापा का खाली नाम लिखना है, उनका सरनेम यहाँ पे नहीं लिखना है, ओनली नेम। मदर्स नेम उसमें भी खाली एक मदर का नेम लिखना है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजियन, रीजियन टू विच यू बिलोंग, मदर टंग, नेशनैलिटी, एड्रेस। ठीक है, पिन कोड, वन टाइम पासवर्ड आएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ठीक है, मोबाइल नंबर आप जो भी डाल रहे हो प्लीज़ 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 मेक श्योर कि वो करेक्ट मोबाइल नंबर है, क्योंकि सभी अपडेट्स सभी मैसेजेस यही मोबाइल नंबर के ऊपर आप लोगों को मिलेंगे। बाय एनी चांस अगर ये मोबाइल नंबर आपने जो अभी एंटर किया वो आगे जाके बंद होगा या फिर चेंज होगा तो फिर कोई भी अपडेट्स आपको नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ 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 मेक श्योर कि आप जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल रहे हो वो एक्टिव मोबाइल नंबर है और वो बंद होने वाला नंबर नहीं है। ठीक है, एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस अगर सेम है तो आप येस कर सकते हो। पासवर्ड के लिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी गई है, अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशंस यू आर सपोज टू क्रिएट योर पासवर्ड
ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिए इंस्ट्रक्शंस एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन सेलेक्ट इट। ठीक है, कंफर्म पासवर्ड करना है, एंटर सिक्योरिटी पिन, यानी कि ये जो पिन आपको सामने दिया गया है 25QRW वो यहाँ पे आपको एंटर करना है, एंड देन यू आर सपोज टू क्लिक ऑन दिस सेव एंड प्रोसीड। आप जब सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आप लोगों का जो मोबाइल नंबर आप लोगों ने मेंशन किया हुआ है वो मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आप लोगों को एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन दिखेगा वहां पे, वेरीफाई ओटीपी के ऊपर आपको क्लिक करना है एंड देन इट विल बी वेरीफाइड। उसके बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर एक एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ आएगा, ठीक है, वो एप्लीकेशन नंबर आपको एकदम संभाल के रखना है क्योंकि उसी के साथ आप लॉग इन कर पाओगे। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर आपका जो मोबाइल नंबर है उसमें नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी आप लोगों को आया होगा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या फिर उस मैसेज को सेव कर सकते हो। ठीक है, सो वो अगर एप्लीकेशन नंबर आप भूल जाते हो तो आप लॉग इन नहीं कर पाओगे, तो काइंडली मेक श्योर आप उसके 2-3 स्क्रीनशॉट्स लेके आप दूसरों को सेंड कर दीजिए जिससे वो आपके डेटा के अंदर रहे। ठीक है, बाद में वहां पे नीचे आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और एल्स आप यहाँ पे होम पे आ सकते हो एंड देन यू कैन क्लिक ऑन दिस ऑलरेडी रजिस्टर्ड। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा एंटर एप्लीकेशन नंबर, तो ये मेरा एप्लीकेशन नंबर है जो यहाँ पे मैंने एंटर किया है। ठीक है, मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना जो फॉर्म है वो फिल करके रखा हुआ था, सो टू जस्ट मेक यू गाइज अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स वो लोग मांगते हैं, तो मैंने यहाँ पे बेसिक डिटेल्स फिल करके रखी हुई थी। जब आप ये ओपन करोगे यानी कि आप यहाँ पे लॉग इन करोगे तब आपके सामने ये लिखा हुआ आएगा, योर एप्लीकेशन फॉर्म इज इनकम्प्लीट, प्लीज फिल अप द फॉर्म स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो मैंने जैसे वीडियो में थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि आप लोगों को आपका बेसिक डिटेल्स एंटर करना है, आपका एड्रेस एंटर करना है, तो आप लोगों को वो सब चीजें जो एंटर कर रहे हो आप वो आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप के सामने कंप्लीट लिखा हुआ आएगा, स्टेप टू ऑनवर्ड्स यानी कि स्टेप टू से लेकर स्टेप 9 तक इनकम्प्लीट लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो आपको स्टेप 1 पे पहले क्लिक करना है, तो आप खाली एक बार वेरीफाई कर लेना है आप लोगों को कि आपने जो डिटेल्स एंटर की है वो ही प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो रही है। बाय एनी चांस यहाँ पे कोई चेंजेस है तो आप वो पर्टिकुलर चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, अगर सब कुछ बराबर है देन यू आर सपोज टू क्लिक ऑन दिस सेव एंड प्रोसीड। ठीक है, सेव एंड प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को सेकेंड स्टेप आ जाता है, कैंडिडेचर टाइप एंड अदर रिजर्वेशन डिटेल्स। तो सेकेंड आ जाता है टाइप ऑफ कैंडिडेचर, आप कौन से टाइप ऑफ कैंडिडेचर हो। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे टाइप ए बी सी डी ई 5 टाइप्स है। अगर मैंने यहाँ पे टाइप ए जैसे सिलेक्ट किया है तो टाइप ए के अंदर 2 कंडीशंस है, तो दोनों कंडीशंस अगर मैं सेटिस्फाई कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे महाराष्ट्र टाइप ए कैंडिडेचर सेलेक्ट करूंगा। इफ आई एम सिलेक्टिंग महाराष्ट्र टाइप बी, तो टाइप बी के हिसाब से जो कंडीशंस है अगर मैं वो सेटिस्फाई कर रहा हूँ तो मैं महाराष्ट्र टाइप बी कैंडिडेट कहलाऊंगा। तो काइंडली मेक श्योर बिफोर सिलेक्टिंग दिस महाराष्ट्र टाइप ए बी सी डी ई जो भी है आप ये कंडीशंस पढ़ लीजिए एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड कि आप कौन से कैंडिडेचर में बिलोंग करते हो। ठीक है, कैटेगरी डिटेल्स यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ ओपन। ठीक है, ओपन में डिटेल्स एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे कास्ट नेम लिख दूंगा। EWS कैटेगरी से अगर मैं बिलोंग करता हूँ तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा, यहाँ पे मैं नो मैं बिलोंग नहीं करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं जस्ट एंटर कर देता हूँ दूसरी डिटेल्स। डिसेबिलिटी तो यहाँ पे मैं नो सेलेक्ट कर रहा हूँ। माइनॉरिटी में अगर मैं यहाँ पे येस सेलेक्ट करता हूँ, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आई विल सेलेक्ट गुजराती ओवर हियर। मैं जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से बिलोंग करता हूँ, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बेसिकली मीन्स दैट माइनॉरिटी जहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटी दी जाती है, जैसे कि गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, सिंधी हो गया। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप लोगों को एडमिशन में भी फायदा मिलता है। ठीक है, बिकॉज दीज कॉलेजेस हैव कोटास, गुजराती कोटा, सिंधी कोटा, वैसे उसके हिसाब से। ठीक है, रिलीजियस माइनॉरिटी इज प्योरली लाइक जैसे जैन हो गया, मुस्लिम हो गया, ये प्रॉपरली रिलीजियस बेस होते हैं। तो अगर आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी से आते हो तो आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन हो गया मेरा, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करके रखा है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है कंप्लीट तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हैव यू पास्ड एसएससी एचएससी प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बिफोर द ईयर 1975 ईयर के पहले अगर आपने एसएससी एचएससी इसका एग्जाम दिया है तो आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। देन क्लिक ऑन दिस सेव एंड प्रोसीड। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। ठीक है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आप लोगों को आपकी सारी डिटेल्स एंटर कर देनी है। ठीक है, जिन लोगों का ग्रेजुएशन का एग्जाम अभी हुआ है या फिर होने वाला है
ठीक है, रिजल्ट नहीं आया है, वो लोग जैसे यहाँ पे मैंने अपियरिंग ऑप्शन सिलेक्ट किया है, अपियरिंग ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपियरिंग ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद यू कैन डू दिस। और नेक्स्ट स्टेप जो आ जाता है बीकॉम के अंदर, जब आप ग्रेजुएशन में डिटेल्स एंटर करते हो, अगर किसी का ग्रेजुएशन पहले खत्म हो चुका है, ठीक है, तो पहले खत्म हुआ है तो उन लोगों को खाली सेमेस्टर 6 के मार्क नहीं डालने हैं, सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक की, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊँ तो नोट में लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स टू फिल इन एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑल ईयर्स और सेमेस्टर्स, सिर्फ एक सेमेस्टर का नहीं, सभी सेमेस्टर्स के मार्क्स या फिर सभी ईयर्स के मार्क्स आप लोगों को एंटर करने हैं, ठीक है। इफ द कैंडिडेट फिल्स इन रॉन्ग मार्क्स, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस देने के बावजूद भी ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, तो काइंडली मेक श्योर आप गलती यहाँ पे ना करें और सारे सेमेस्टर्स और सारे साल जो भी आपके पैटर्न हैं उसके हिसाब से ही आप एंटर करें। देन कम्स यहाँ पे 3 ईयर्स का डिटेल्स, यानी कि एग्जाम सेंटर, आप कहाँ पे एग्जाम सेंटर लेना चाहते हो, तो आप जो प्रेफरेंस दोगे, प्रेफरेंस यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सेकंड प्रायोरिटी क्या है, थर्ड प्रायोरिटी क्या है, तो जो भी आप प्रेफरेंस देते हो उसके हिसाब से आप लोगों को हॉल टिकट के अंदर मिलेगा सेंटर, आपका एग्जाम सेंटर, ठीक है। तो काइंडली सिलेक्ट इट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, ठीक है। सेव एंड प्रोसीड करना है। देन कम्स फोटो एंड सिग्नेचर। फोटो एंड सिग्नेचर के लिए जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी फॉर्मेट, ठीक है, वो आप लोगों को अपलोड करना है आपके डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप में से, सिग्नेचर बाद में अपलोड कर देना है। देन कम्स नेक्स्ट स्टेप इज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे जो है टोटल, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स कार्ड, आधार कार्ड, ये सभी चीज़ में से कोई भी एक आपको अपलोड करना है, तो आप उसका पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अब आफ्टर अपलोडिंग यू कैन ऑल्सो व्यू दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। वेन यू क्लिक ऑन दिस सेव एंड प्रोसीड, आपके सामने नेक्स्ट स्टेप आएगा प्रीव्यू एंड वैलिडेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आप लोगों का फॉर्म जो अभी तक आप लोगों ने फॉर्म फिल किया, ठीक है, इतनी जो हम लोगों ने डिटेल्स फिल की वो सभी डिटेल्स आपके सामने एज अ समरी डिस्प्ले होगी। डिस्प्ले होने के बाद खाली आप लोगों को क्या करना है कि सारी डिटेल्स चेक कर लेनी है कि प्रॉपर है कि नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है या फिर कोई और डिटेल्स मिस आउट तो नहीं हो रही है, एंड देन अकॉर्डिंगली अगर कोई चेंजेस है तो आप लोगों को वो चेंजेस करने का यहाँ मौका मिलेगा। क्लिक हियर टू एडिट, ठीक है, एडिट करने का मौका मिलेगा, एंड देन यू आर सपोज टू एडिट इट एंड मेक द रिक्वायर्ड चेंजेस। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट। यू विल गेट अ पॉपअप कि एक बार प्लीज चेक द डिटेल्स, सभी डिटेल्स आपके हिसाब से बराबर है कि नहीं, बिकॉज इसके बाद आप कोई डिटेल्स चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आप श्योर है कि आपसे कोई गलती नहीं हुई है, देन यू आर सपोज टू क्लिक ऑन दिस येस बटन। येस बटन पे क्लिक करने के बाद यू विल गेट दिस थिंग कि आपने महाराष्ट्र टाइप ए सिलेक्ट किया था कैंडिडेचर में, आप ओपन कैटेगरी से आते हो, कैटेगरी फॉर सीईटी दैट इज ऑल्सो ओपन, तो आपका रजिस्ट्रेशन फीस का पेमेंट हो गया 800 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे मैं एक चेकबॉक्स है उसको टिक करना है, ठीक है, टोटल फीस यहाँ पे 800 आ जाएगा। देन यू आर सपोज टू क्लिक ऑन दिस प्रोसीड टू पेमेंट। पेमेंट करने के बाद, ठीक है, आप जब 800 रुपीज का पेमेंट ऑनलाइन कर दोगे, उसके बाद यू विल हैव दिस ऑप्शन प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म को आपको क्लिक करना है, ठीक है, ये एनेबल हो जाएगा। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है आपने, वो आप सेव कर सकते हो एज अ पीडीएफ इन योर लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल, ठीक है। तो आप लोग प्लीज आफ्टर मेकिंग द पेमेंट, ठीक है, वो पेमेंट हो जाएगा उसके बाद ही आप प्रिंट कर पाओगे, अभी नहीं होगा। तो ये यहाँ तक ही आपका प्रोसेस है। अब वंस यू मेक द पेमेंट यू विल बी एबल टू डाउनलोड और प्रिंट योर एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट या फिर सेव एज पीडीएफ कर लीजिए एंड देन आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ MH Law CET 3 ईयर्स फॉर्म फिलिंग, ठीक है। यहाँ पे आपका फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस खत्म हो जाता है। आफ्टर दिस आप लोगों को खाली वेट करना है कि कोई अगर अपडेट आता है CET सेल की वेबसाइट पे, तो आप लोगों को सारी अपडेट्स हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी दे देंगे, एंड इफ देर आर एनी चेंजेस इन द एग्जामिनेशन डेट्स देन दैट थिंग ऑल्सो विल बी अपडेटेड। तो काइंडली स्टे अपडेटेड ऑन आवर यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल, एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन आर टेलीग्राम ग्रुप्स, यू कैन डाउनलोड आर एप्लीकेशन टू एक्सेस द टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, वीडियो लेक्चर्स एक्सेट्रा। So kindly make sure you are subscribed to this channel, and also please like this video and share this video with your friends. Thank you so much, guys.